जालिम पेट का सवाल है। वो कंपटीशन से कट के साइकिल ठेल रहा है कोयला लेकर, क्योंकि कोयला में एक दिन में 1000 रुपया कमा लेता है, 10-5 इधर उधर दो चार गो चेक नाका में देके वो 1000 रुपया का बचत कर लेता है। 30 दिन में 20 दिन भी कमाएगा तो 20,000, आज के हिसाब से 20,000 एक संतोषजनक राशि होती है। तो अब ये माहौल तैयार हो रहा है, यानी वो अब कंपटीशन के लिए नहीं जाता है, वो अब शिक्षा के लिए नहीं जाने का प्रयास कर रहा है, वो चाह रहा है कि रोजगार आए। रोजगार कहाँ से आए डज नॉट मैटर। हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री बीजेपी के दामन थाम ले, सारा पाप धुल जाएगा, बीजेपी गंगा है। अमित दास 2002 के डोमिसाइल पॉलिसी के आंदोलनकारी थे, तो अमित दास ने त्याग किया है, उनका स्वागत रहेगा, हम लोग मिलकर काम करना चाहेंगे। दोनों पार्टी में थे, उन्होंने इस झारखंड की भावना उनके भीतर थी, उनका हम सम्मान करते, उन्होंने रिजाइन दिया, वे भी साथ आएंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अमित दास बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया, क्योंकि जेएमएम आज सरकार में है, वो रह के बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, या तो किसी बोर्ड का चेयरमैन बन सकते थे, या फिर जिस प्रकार को मंत्री का प्रभार मिला योगेंद्र जी को, उनको भी मिल सकता था। गिरिडीह लोकसभा से उन्हें लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी तक संगठन का मोहर नहीं लगा है, जब तक लेटर हेड में नहीं आएगा। अनिल भी गिरिडीह लोकसभा से हैं, तो ये कोई मायने नहीं है कि हम ही लड़ेंगे, एक राय शुमारी बैठक होगी। झारखंड का सबसे गर्म मुद्दा भी बन गया है छात्रों का जेएसएससी सीजीएल में, जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ उस पर लोग आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत दुख और दुर्भाग्य का विषय है कि एक छात्र, मैं भी छात्र हूँ, अभी तक छात्र हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है 2-3 साल हमारा छात्र जीवन चलेगा पीएचडी को पूरा करने तक। तो छात्रों की जो समस्याएं हैं मैं जानता हूँ, मैं सीजीएल पर बात करने से पहले छात्र की समस्या पर बात करता हूँ, उसकी पीड़ा से पूरे झारखंड को अवगत कराता हूँ, उसकी पीड़ा पर चर्चा करता हूँ। मैं जहाँ खड़े हैं ये मात्र हमको लगता है 100 मीटर में आपका एनएच है, 100 मीटर भी नहीं, शायद 50 मीटर होगा, एक बार किक करेंगे बॉल चल जाएगी एनएच में। यहाँ सुबह आप देखिएगा, मुझे लगता है कम से कम इस चौक में 50 से 100 की संख्या में छात्र एकत्रित होते हैं। ये मानटाण चौक है, फिर मदेडी चौक में भी इतने ही लोग रहते हैं, ब्रह्मंडिया चौक में इतने लोग रहते हैं, तोपचाची में इतना रहते हैं, पावापुर सिंगडी में रहते हैं, यानी लगभग डुमरी से लेकर आप राजगंज तक यही स्थिति देखिएगा, लगभग 15 को चौक आएगा जिसमें 50-50 की संख्या में छात्र रहते हैं। वो कहाँ जाना चाहते हैं? धनबाद। कोई कंपटीशन के लिए जाता है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, कोई कॉलेज जाता है। अब देखिए वो लोग जाते कैसे, मैं दूसरा का नहीं बताऊंगा, मैं खुद की कहानी बता रहा हूँ। जब मैं जाता था यहाँ, लगभग हमारे केवल हमारे पंचायत में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग आधा दर्जन जो चिमनी भट्टा है, और उस चिमनी भट्टा से जनरली शहर में बिल्डिंग का काम बहुत होता है, रोज मकान का काम होता है, उसको ईंटा चाहिए, वो ईंटा हमारे इन भट्टों से जाता है। लगभग 10 गो के आसपास चिमनी भट्टा है एक ही पंचायत में। तो यहाँ से जो ईंट भट्टा जाता है उसको हम लोग हाथ मारते हैं, मारते थे, उस पर बैठते थे, और कहाँ बैठते थे? ऊपर में, ऊपर में, ये ड्राइवर और क्लासी की बगल की सीट में नहीं, ऊपर में, ईंट के ऊपर में, ईंटों के ऊपर बैठते थे, कुछ प्लास्टिक रख देते थे या फिर पेपर का एक टुकड़ा रख के बैठते थे। अब सोच के देखिए जीटी रोड की रफ्तार, आप ईंट भट्टे के में सवारी कर रहे हैं, ईंटों के ऊपर पूरा धूल कण हो जाना। ये मैं अपनी कहानी के साथ झारखंड के छात्रों की कहानी को बयां कर रहा हूँ। वहां जाने के बाद उतरते थे, पीके रॉय धनबाद का नामचिन्ह कॉलेज, उतरते थे, लड़के तो जानते थे स्थिति को, लेकिन हमारे क्लास की लड़कियां शायद नहीं जानती थी, कभी कभार हमें टोकती थी, क्या ऐसे मैंने क्या हुलिया बना के आते हो पढ़ने के लिए, फिर कॉलेज आते हो क्लास करने के लिए। बोले आप नहीं समझोगे ना, हम लोग भाड़ा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए ईंट के भट्टों में जो गाड़ियां चलती है उन पर लिफ्ट लेते हैं। बोले यार कैसे लड़के हो, 10 रुपये के लिए तुम लोग मैंने ऐसा काम करते हो। बोले आप नहीं समझोगे, 10 रुपये बचाते हैं, यानी एक जंग जीतने के बराबर हमें फीलिंग होता है। जो लोग एनएच में बैठ कर जो गाड़ी के आधा घंटा एक घंटा प्रतीक्षा करते हैं कि कोई बस आए, उस पर लटक झटक के जाएंगे, वो 10 रुपये बचाते नहीं, एक जंग जीतते हैं, अपनी जिंदगी से लड़ते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक दिन कम से कम 250 से 500 छात्र धनबाद जाते हैं। कोई कंपटीशन के क्लास के लिए जाता है, कोई यूनिवर्सिटी क्लास के लिए जाता है, कोई कॉलेजों में क्लास के लिए जाता है, कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जाता है। अब बताइए ऐसे लोग अपने घर आंगन से एक एक पाई पाई जुगाड़ करके 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये पहले, अभी ज़्यादा हो सकता है, और एक कंपटीशन का माहौल तैयार करते हैं, एक कोचिंग संस्थान में नामांकन करते हैं, एक 10 बाय 10 के कमरे में खुद को पैक करते हैं, उम्र कि लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा आयु का खपा देते हैं, 10 साल कम से कम, तो 10 साल कंपटीशन वालों के लिए। पेट बाहर आता है, आँख की रोशनी चली जाती है, बाल झड़ जाते हैं और कुछ सफ़ेद भी हो जाते हैं। और यदि ऐसा रिजल्ट आएगा, एक ऐसा मतलब परीक्षा में इस प्रकार का आरोप और धांधली होगा, क्या बीतेगी? मान के चले बहुत सारे
आज मान के चलिए प्रदर्शन हो रहा है, चलिए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है, लेकिन उन पर क्या बीतता है कि जिन्होंने अच्छा एग्जाम लिखा है, जो आके अपनी आंसर शीट को मिला रहे हैं कि हम तो 250 में 200 पार करके आए हैं, उन पर क्या बीतेगी, उन पर क्या बीतेगी? क्या इन सरकारों ने, इन भ्रष्ट अधिकारियों ने, इन बेईमानों ने जानने का प्रयास किया उन पर क्या बीतेगी? नहीं जाना। अगर ये जानने का प्रयास किए होते तो एग्जाम इस प्रकार की धांधली नहीं होती, एक फेयर एग्जाम लिया जाता, एक फेयर एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता, ऐसी एजेंसियों को एग्जाम लेने के लिए दिया जाता जो विश्वसनीयता की पैमाने पर आकर खड़ा हो। लेकिन आज ये दुर्भाग्य का विषय है, पीड़ा का विषय है, आज हर एक झारखंडी जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया जा रहा है, ऐसे ऐसे समाचार उनके मनोबल को गिराने का काम किया जा रहा है। इन्हीं गांवों में 4-5 साल पहले अच्छा क्रेज था कंपटीशन का, लेकिन आज वो क्रेज गिर चुका है। आज वो बच्चे क्या कर रहे हैं, ईंट भट्टे में जा रहे हैं, कोयले की जो स्मगलिंग है उसमें जा रहे हैं, बालू की स्मगलिंग में जा रहे हैं। मैं मानता हूँ वो लीगली काम नहीं है, लेकिन मरता क्या नहीं करता, पेट की भूख को शांत करने के लिए कौन क्या नहीं करता। वो कंपटीशन से कट के ट्रैक्टर में जा रहा है, वो कंपटीशन से कट के साइकिल ठेल रहा है कोयला लेकर, क्योंकि कोयला में एक दिन में 1000 रुपया कमा लेता है, 10-5 इधर उधर 2-4 गो चेक नाका में देके वो 1000 रुपया का बचत कर लेता है, 30 दिन में 20 दिन भी कमाएगा तो 20,000, आज के हिसाब से 20,000 एक संतोषजनक राशि होती है। तो अब ये माहौल तैयार हो रहा है, यानी वो अब कंपटीशन के लिए नहीं जाता है, वो अब शिक्षा के लिए नहीं जाने का प्रयास कर रहा है, वो चाह रहा है कि रोजगार आए, रोजगार कहाँ से आए डज नॉट मैटर, जालिम पेट का सवाल है। तो मेरे हिसाब से ये सरकारें, ये भ्रष्ट जो परीक्षा लेने वाली एजेंसियां या फिर हमारे JSSC अथवा JPSC की जो संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति, एक आम छात्र के ख्वाबों को एकदम चकनाचूर कर दे, रोंद रही है। जो सड़क में एक एक्सीडेंट होता है, बहुत दर्दनाक एक्सीडेंट होता है, 150 की रफ्तार में कोई गाड़ी किसी जीव जंतु को उड़ाकर चली जाती है, ठीक उसी प्रकार ये परीक्षाएं और इनमें प्रश्न पत्र का लीक होना अरमानों को, ख्वाबों को रोंद कर कुचल कर चली जाती है। तो इसलिए इसका हम लोग खेद प्रकट करते हैं, आक्रोश प्रकट करते हैं और राज्य सरकार से अपील करते हैं, JPSC JSSC से अपील करते हैं कि यदि जिंदा हो तो ढंग से काम किया करो, नहीं तो ऐसे संस्थानों का कोई औचित्य नहीं बनता है, बंद कर दीजिए ऐसे संस्थान जो हजारों नहीं लाखों बच्चों के भविष्य को गर्त में डाल रही है। आज वो क्या करेगा जो क्वेश्चन आके घर में मिला रहा है, मेरा तो 250 में 225 बन गया है, मैं तो क्रैक कर रहा हूँ परीक्षा, और आप उसको पोस्टपोन कर रख देंगे, क्या होगा उस पर, क्या बीतेगी? तो हम लोग छात्रों के साथ हैं, फेयर एग्जाम कंडक्ट किया जाए और अब भविष्य में ये ध्यान रखा जाए जिस प्रकार, अच्छा एक बात बताए, मैट्रिक भी एक एग्जाम होता है, 12 भी एक एग्जाम होता है, अरे वो भी मेरे जीवन का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसको भी हम एक ही बार लिखते हैं, अगर फेल होते तो दोबारा लिखते हैं। तो वो एग्जाम जब होम सेंटर होता है तो ये एग्जाम भी होम सेंटर होने चाहिए। आज कोई 200 किलोमीटर की दूरी से, कोई 250 किलोमीटर की दूरी से कोई पति को के साथ लेकर आई है, कोई ससुर को साथ लेकर आई है, तो अब होम सेंटर होना चाहिए और प्रत्येक प्रखंड में जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए और एक विश्वसनीय एजेंसियों को काम सौंपना चाहिए ताकि भविष्य में स्टूडेंट के साथ कोई छल कपट ना हो, वो इस राज्य में उम्मीद जगाए, इस लोकतंत्र में उनकी आस्था बने, ये प्रयास होना चाहिए। जांच करने जाती है हेमंत सोरेन के घर, वहाँ पता चलता है कि हेमंत सोरेन दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली भी जाती है ईडी, लेकिन दिल्ली में भी हेमंत सोरेन नहीं पकड़ा। ठीक कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ठीक ही कर रहे हैं, बस मरता क्या नहीं करता, हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री बीजेपी के दामन थाम ले, सारा पाप धुल जाएगा, बीजेपी गंगा है। अच्छा, नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री साहब बनाए थे कि 10 साल का सजा या 1 करोड़ का जुर्माना, तो ये सब चीजों में क्या, वो तो भाषणों में था, इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। छात्रों का दर्द कौन सुने? देखिए छात्रों का दर्द मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई सदन में सुनने वाला है, अगर सुनने वाला होता तो जरूर आंदोलन करते हैं, जरूर आज से तो छात्र अपने दर्द को नहीं बता रहे हैं, ये अभी सब अभी चुनाव की तैयारी में है, छात्रों को अपने दर्द को हथियार बनाकर उस ढाल को पिघाल कर और उन्हें युद्ध करना होगा, यानी आंदोलन करना होगा। लाखों छात्रों का, अभिभावक का संवेदना टाइगर जयराम मतलब साथ में जुड़ा है, रांची राजधानी रांची में भी लोग रोड पे उतरे और आंदोलन करते हुए नजर आए, तो क्या जब भी केसेस का जो स्टूडेंट विंग है JSSC वगैरह ये सब क्या? देखिए हम लोग छात्रों के साथ हैं, छात्र जैसा निर्णय लेते हैं, छात्र जिस प्रकार से आंदोलन करते हैं, जिस प्रकार से अपनी रोष को प्रकट करते हैं, अपनी आक्रोश को प्रकट करते हैं, अपनी संवेदना अपने गुस्से को प्रकट करते हैं, हम छात्रों के साथ हैं, शारीरिक रूप से उनके साथ हैं। आपके पुराना साथी जैसे कि कहा जाए तो रिजवान अंसारी जी आ चुके हैं, तो करण महतो कब आ रहे हैं? करण महतो लोग बताया जा रहा है कि बहुत बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन कब आएंगे? जी भी कैसे? देखिए करण जी भी आएंगे, हालांकि
वो रिजवान तो आ ही चुके हैं, करण जी भी आएंगे और बहुत जल्द आएंगे। स्टार्टिंग डेज के जो क्रांतिकारी थे अमित महतो और बाकी गिरधारी राव, ये सब भी नजर आ सकते। देखिए एक बात, वो पॉलिटिकल लीडर थे, वो क्रांतिकारी नहीं थे, वो आंदोलनकारी नहीं थे, वो मैंने इस आंदोलन के आंदोलनकारी नहीं थे, वो पॉलिटिकल लीडर थे। हाँ, अमित दास 2002 के डोमिसाइल पॉलिसी के आंदोलनकारी थे। हाँ, जब उन्होंने देखा वो पार्टी में थे, दोनों पार्टी में थे, उन्होंने इस झारखंड की भावना उनके भीतर थी, उनका हम सम्मान करते, उन्होंने रिजाइन दिया। तो वो इस आंदोलन के आंदोलनकारी वो नहीं थे, वो 2002 का जो डोमिसाइल पॉलिसी था अमित दास उसके आंदोलनकारी थे। लेकिन उन्होंने अपना मन के अंतरात्मा को टटोला और सरकार में जो पार्टी थी उस पार्टी में थे, बिल्कुल उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। लेकिन मेरा मानना है कि आंदोलन कहीं ना कहीं धनबाद बोकारो से खड़ा हुआ था और वो साथ देने के लिए आए थे, तो वे भी साथ आएंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अमित दास बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया, क्योंकि जेएमएम आज सरकार में है, वो रह के बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, या तो किसी बोर्ड का चेयरमैन बन सकते थे, या फिर जिस प्रकार को मंत्री का प्रभार मिला योगेंद्र जी को, उनको भी मिल सकता था। तो अमित दास ने त्याग किया है, उनका स्वागत रहेगा, हम लोग मिलकर काम करना चाहेंगे। 4 तारीख वाला भी कैंसिल हो गया दादा। देखिए अभी भी हम बात कर रहे थे छात्रों से, उन्होंने कहा यार ये तो पीड़ादायक स्थिति है, गलती एक दो से होती है यार, पूरा परीक्षा कैंसिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही कष्टकारी विषय है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप झारखंडियत को परिभाषित नहीं करेंगे, देखिए गैर राज्य, खासकर उत्तर भारत में साफ कहता हूँ, दक्षिण भारत के लोग में थोड़ा ह्यूमैनिटी होती है, जो तेलंगाना से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, उनका वे भी ISIPS बनकर आते हैं, उनका काम करने का तरीका और इस साइड से आने वाले लोग काम करने का थोड़ा सा अलग होता है। देखिए ये लोग जितने भी बड़े पदाधिकारी हो या फिर किसी भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उन्होंने कभी इक्वलिटी सोशल जस्टिस को कभी, मैंने दो चार लोग होंगे ईमानदार, उनको नमन बंधन है, लेकिन मैक्सिमम जो उनका रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं नाखुश करता है। वो राज्य के हमारा जो मिनरल्स है उनको लूटने का काम करते हैं और उसी के क्रम में आज हमारे पड़ोसी राज्य लगातार हमें सता रहे हैं, लगातार हमारा दोहन कर रहे हैं, हमारा दमन कर रहे हैं। तो ऐसे में जब तक झारखंडियत परिभाषित नहीं होगी, ये राज्य की दुर्दशा आगे और बढ़ेगी। गिरिडीह लोकसभा से जो टाइगर जयराम महतो लड़ रहे हैं, वहाँ से सबसे बड़ा कंपटीटर किसको मानते हैं? देखिए अभी गिरिडीह लोकसभा से हमने लड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन अभी तक संगठन का मोहर नहीं लगा है, जब तक लेटर हेड में नहीं आएगा। और सके गिरिडीह से हम शिवाजी के साथ जा सकते हैं, गिरिडीह से हम अशोक के साथ जा सकते हैं, अनिल भी गिरिडीह लोकसभा से हैं, तो ये कोई मायने नहीं है कि हम ही लड़ेंगे। एक राय शुमारी बैठक होगी और लोकतांत्रिक ढंग से उस समय ये भी कहा जाएगा कि अगर फरजान जी लड़ने के इच्छुक हैं, रिजवान जी अगर इच्छुक हैं, मोतीलाल जी इच्छुक हैं, अजय जी हैं, कमलेश जी उसी क्षेत्र से आते हैं और बहुत सारे तमाम साथी हैं, राय शुमारी होगी, फिर लोकसभा का कैंडिडेट घोषणा किया जाएगा। 4 तारीख को JBKSS का क्या प्रोग्राम है, देखा जाए तो PM, CM और प्लस लिखिए अध्यक्ष जी का पैदल यात्रा भी। ठीक है, हम लोग को प्रोग्राम हम लोग का भी धनबाद में होने की संभावना है, हम लोग भी अपनी विचारों को शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से संचार करेंगे। दादा 8 साल लगातार प्रतीक्षा किए हैं और 8 घंटे में इस तरह से हो गया, तो भरोसा किस पर करेगा छात्र, इतना घर परिवार त्याग करके आप तो जहाँ अभी जितना है दर्द अभी आपने सुनाया, फिर भी अब भरोसा टूट जाएगा, फिर वो स्टूडेंट क्या करेंगे फ्यूचर के लिए? देखिए भरोसा पॉलिसी ही उनको बचाएगी, कानून का देश है, मानते हैं 10 प्रकार के धर्म है भारत में, संविधान में जो मान्यता मिला है सभी के अनुसार दुनिया और ईश्वर की अलग अलग व्याख्या है, लेकिन मेरा मानना है इंसान को इस कलयुग में कोई बचाएगा तो कानून बचाएगा, और कानून यानी फिलहाल छात्रों का कानून जो पॉलिसी होती है अब पॉलिसी ही उनको बचाएगी, और पॉलिसी में अगर अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा बनेगी तो फिर छात्र कैसे बचेंगे? हमारे मूर्ख लोग पता नहीं कौन से हमारे जो सचिवालय में बैठे हैं या फिर जो लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं विभागीय लोग, एकदम मूर्खता का परिचय देते हैं, इंग्लिश को रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज बता रहे, हद हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा का हाल है झारखंड में, बेवकूफ़ी भरा कार्य कर रहे हैं और हम लोग बस अपने रोजमर्रा के जीवन में इतना अस्त व्यस्त हो चुके हैं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं, और अगर जरा महतो बोल रहा है तो लोग बोलते नेता बन, तो या को जायत के लागो, ई लागो, घर लमका लागो, ढमका लागो, फमका लागो, छटका लागो, बड़का लागो, ऐसे बोलते हैं। 23 साल झारखंड हो गया, तो जब बिहार से अलग हो गया झारखंड, तो फिर आखिर में आरोप बिहार पर या पड़ोसी क्यों पड़ता है? देखिए क्योंकि उन्होंने चुंगल में फंसा कर रखा है, उन्होंने बंटवारे की मर्यादा का अनुपालन नहीं किया है। बंटवारा जब भी होता है तो बंटवारे की एक मर्यादा होती है, दो भाई में किसी जमीन के टुकड़े का बंटवारा होता है तो बड़ा भाई कितना भी बलशाली क्यों ना है, उसका कभी कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटे भाई ने अपने हिस्से के बंटवारे के हिस्से में कौन सा फसल लगाया है उसे झांकने का उसे कोई अधिकार नहीं बनता है।
वह अपनी जोरू को अपने घर में किस प्रकार से रहने के लिए दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, उसे झांकने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ झारखंड और बिहार का जो बंटवारा हुआ है, इसमें जो बड़ा भाई बिहार है वो मर्यादा को लांग रहा है, वह छोटे भाई के अधिकारों को छीनता है, झांकता है, फर्जी सर्टिफिकेट बना के प्रवेश करता है और सिस्टम को बल्कि हैक करके रखा है। ये तो आपको सीजीएल सरकारी चीज से दिखता है। कल आए थे कुछ सीएमआरआई या फिर सीएआईएमआर कुछ एक संस्था है, तो नहीं कंफर्मेशन नहीं है, कल ही आए थे, हमको दिए हैं, हमारे ऑफिस में होगा। वहाँ 150 झारखंडी काम कर रहे थे जो सरायडेला सुगियाडी भेलाटर आसपास के हैं। वो बंदा आता है कहाँ का, बलिया का, वो 150 का 150 बलिया से रिप्लेस करना चाहता है, झारखंडियों को हटा के 150 का 150 बलिया। अब चीजों को समझना होगा, झारखंडियों के पास अगर आउटसोर्सिंग में भी किसी कंपनी को टेंडर दिया जाए तो झारखंड में कोई कंपनी नहीं जो टेंडर को ले सकती है। वो कंपनी वाला पटना का होगा, राजस्थान का होगा, हैदराबाद का होगा, तो वो तो अपने आदमियों को भरेगा ही ना। तो इसलिए जब तक कट्टर झारखंडी सरकार नहीं बनेगी तब तक अव्वा दिसम अव्वा राज स्थापित नहीं होगा। ये अभी वर्तमान की सरकार केवल नाम की अव्वा दिसम अव्वा राज है। इसी सरकार में तो सबसे ज्यादा बाहरियों को अंग्रेजी बोलो हंसने का मन करता है कि एक आदिवासी राज्य में अंग्रेजी हमारी ट्राइबल लैंग्वेज है, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। विधायक मंत्री तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, और आप अगर हक और अधिकार के लिए स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं तो लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि नहीं जयराम मैं तो बाहरी भीतरी कर रहा है। हाँ लीजिए मजा, लीजिए बाहरी भीतरी तो लीजिए मजा, आज साफ लिखा है नालंदा का है, बेगूसराय का, लीजिए कोई बाहरी भीतरी नहीं, लड़ाई जनमीन है। क्यों राज्य का बंटवारा हुआ था? अगर ये राज्य का बंटवारा होने के बाद भी वही लोग हमारे जर और जोरू को देखने का काम करेगा तो बंटवारा होने का कोई मत औचित्य ही नहीं था। हमारी लड़ाई सही है, सार्थक है। मैं चाह रहा सुन।